नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह। आज हम आपको एक ऐसी खबर देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप शादी करने के लिए 10 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर कोई दुल्हन शादी के कुछ दिन बाद ही घर में रखा सामान लेकर फरार हो जाती है तो सोचिए क्या होगा। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में देखने को मिला है। हालांकि पुलिस ने इस लुटेरी दुल्हन को उसके बहन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही सोने, जेवरात, अन्य सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस का दावा है कि यह एक गैंग है जो कि शादी कर महंगे सामान और जेवरात आदि पर हाथ साफ करता है। इस गैंग ने अब तक ऐसी 3 वारदातों को अंजाम दे दिया है। देखिए इस शातिर दुल्हन को, कितनी सराफत और मासूमियत इसके चेहरे पर दिख रही है। लेकिन इस शातिर मासूम चेहरे के पीछे कितना शातिरपना छुपा है, इसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस फोटो में जो दूसरा शख्स दिखाई दे रहा है वह इसका पति मनोज है। अभी 9 फरवरी 2020 को इस दुल्हन की इस पति से शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही इसने अपनी बहन को अपने पति के घर बुलाया और दोनों ही शादी में मिला जेवरात, सामान आदि लेकर फरार हो गई। जब पति ने फोन कर संपर्क करने का प्रयास किया तो इन लोगों ने फोन भी बंद कर दिया। अपने साथ घटी घटना को लेकर पति मनोज परेशान हो गया और सिकंदराबाद थाने में मामले की रिपोर्ट लिखवाने पहुंच गया। पुलिस ने सारी कहानी सुनी तो वह भी दंग रह गई, लेकिन मुकदमा दर्ज करा दिया गया। पुलिस का दावा है कि यह दोनों बहनें एक गिरोह की सदस्य हैं जो इसी तरीके से शादी करता है और शादी के बाद दुल्हन के रिश्तेदार ससुराल में आकर रुकते हैं। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लूटा गया लगभग 6 लाख के जेवरात और कई सामान बरामद कर लिया है। ये 9 फरवरी को थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि एक मनोज नाम के व्यक्ति की शादी हुई थी रिसेंटली 15 फरवरी को, और उस दिन उसकी पत्नी गायब थी और उसके घर से सारे सामान, जेवरात, पैसा गायब था। तो वो उसने अपने पत्नी से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो ये फ़ोन नहीं उठा रहे थे, फिर फ़ोन भी बंद हो गया था। तो उन्होंने थाने में आके तहरीर दी कि इन्होंने हमारे सारे जेवरात और ले गए हैं। तो फिर पुलिस ने इस पर मुकदमा कराया और क्राइम नंबर 82/2020 उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि ये गिरोह है जो शादी करते हैं, फिर शादी करके अपने बहन के नाम पर या रिश्तेदारों के नाम पर कुछ लोगों को बुलाते हैं घर में रहने के लिए और उसके बाद रात को ये सारा सामान लेके गायब हो जाते हैं। तो इसमें जब इन्वेस्टिगेशन किया तो ऐसे एटलीस्ट 3 केस इन्हीं के द्वारा पहले किए गए सामने आए हैं। उसमें एक दिसंबर 2019 का है जिसके वादी भी अभी घटना के बाद सामने आया, उन्होंने पहले पुलिस को सूचना नहीं दी थी। तो ये हमारी टीम इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर द्वारा बहुत अच्छा काम हो गया है और इनकी पूरी रिकवरी हुई है। जो लेके गए थे वो आपने देखा ही है और इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। अब तक कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? अभी 2 गिरफ्तार हैं, पायल पत्नी योगेश और जानकी उर्फ जानवी पत्नी राकेश गिरफ्तार हैं। उसमें और एक नाम और अभी आया है जिनकी गिरफ्तारी बाकी है, और भी गिरोह में शामिल होंगे, उन पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, अब तक की जांच में इनके द्वारा कितने तरह के कितने विवाहों का खुलासा हुआ है? अभी तक 3 कंफर्म हुए हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि इनके ये गोवा और बन के जाते थे तो इनके कुछ और भी दोस्त हैं जिनके उन्होंने और भी किए होंगे, इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए समाचार इंडिया के साथ। खबर से लेकर असर तक।